मुझे लोग मैसेज करके कहते हैं कि आप हमें बताइए कि हम घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो में आप सबको ये बताऊंगी कि आप लोग किन किन तरीकों से घर में बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी जवेरी सिद्दीक। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग मुझे DM करके पूछते हैं कि फ्रीलांसिंग के अलावा हम लोग घर में बैठ के कौन कौन से टॉपिक के ऊपर और किस किस तरह से हम लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के, और मैं आप लोगों के साथ सारे वो टॉपिक डिस्कस करूँगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं एक टॉपिक को डिस्कस करूँगी क्योंकि हर टॉपिक थोड़ा डिटेल मांगता है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ ब्लॉगिंग एंड हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बेसिकली है लिखना, मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी नीश को लेके आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे हम यूट्यूबर्स अपनी वीडियो बनाते हैं और अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं किसी एक टॉपिक को, सेम वैसे ही ब्लॉगर्स जो हैं कोई एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक के ऊपर वो लिखते हैं और वो एक ब्लॉग के ऊपर लिखा जाता है। वो मतलब जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दी जाती है, लिखी जाती है, लोग आते हैं और उस ब्लॉग को पढ़ते हैं। ब्लॉग्स अब लिखे कहाँ में जाते हैं? ब्लॉग्स लिखे जाते हैं ब्लॉगर के ऊपर और वर्डप्रेस के ऊपर। ये दो साइट्स हैं जहाँ पे आप लोग जाके अपना ब्लॉग बना सकते हैं। अब ब्लॉग बनाने के लिए क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो ब्लॉग के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास डोमेन नेम होना चाहिए, मतलब कि जिस टॉपिक के ऊपर आप लिखना चाहते हैं वो आप डोमेन उसका आप परचेज करेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके, साथ उसकी होस्टिंग भी आप लोगों ने परचेज करनी होगी। परचेज करने के बाद आप उनको जो होस्टिंग है और जो डोमेन है उसको कनेक्ट कर लेंगे अपने ब्लॉग्स के साथ, अपने ब्लॉग के साथ, और फिर आपका जो ब्लॉग है वो एक लिहाज से रेडी हो जाता है। थीम्स वहाँ पर मौजूद होती हैं, आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर आप लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है तो वो आते हैं और गूगल के ऊपर आपका जो कीवर्ड होगा, जैसे अगर होम रेमेडीज़ हैं तो उनको वो लिखेंगे होम रेमेडीज़ और वहाँ पे आपका जो ब्लॉग है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसके बाद आपका जो ब्लॉग होता है वो अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड, अकॉर्डिंग टू योर डोमेन नेम सर्च किया जाता है गूगल में, और फिर आपका जो ब्लॉग है वो रैंक होता है गूगल में और लोग पढ़ते हैं आपके ब्लॉग्स को, और फिर इस तरह से जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है तो ब्लॉग के ऊपर लग जाते हैं एडसेंस। एडसेंस लगने के बाद वहाँ पे सब एड्स आ रहे होते हैं और फिर वहाँ से लोग जो हैं अर्निंग्स उनकी स्टार्ट हो जाती है। अब इसके लिए कोई भी टॉपिक हो सकता है। फीमेल्स अपने इंटरेस्ट लेवल के मुताबिक लिख सकती हैं, जैसे कि जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ज़्यादा है, जैसे फीमेल्स को नॉलेज होती है के बारे में, मेकअप के बारे में, मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में और ड्रेसेस के बारे में और इन चीज़ों के बारे में जो कि उनके उनसे रिलेटेड होते हैं। आप उनको कोई भी एक टॉपिक उठा लें और उसके बारे में आप डेली बेस पे एक कम से कम 3-4 पोस्ट जो हैं वो किया करें, लिख सकते हैं आप उसके ऊपर हैं किसी, मतलब जो भी आप लोगों का टॉपिक है उससे रिलेटेड पिक्चर्स गूगल से उठा के आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जिन लोगों के अपने चैनल्स होते हैं वो अपनी वीडियोज़ भी उठा के ब्लॉग के ऊपर जो है तो ऐड कर लेते हैं और फिर लोग उनकी वीडियोज़ भी देखते हैं, उनके जो उन्होंने लिखा होता है, राइटिंग जो की होती है, जो कॉन्टेंट होता है उनका, उसको भी पढ़ते हैं और फिर एडसेंस के थ्रू उनको अर्निंग होती है। तो ये ब्लॉगिंग इस तरह से की जाती है। अब ब्लॉगिंग के तरीके भी डिफरेंट हैं। अब ये जो तरीका मैंने बताया ये एक फ़र्स्ट वे था जिससे आप लोग सिंपल, मतलब ये सिंपल से एक तरीका है कि बस किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप लोग कंटेंट डाल के ब्लॉग में, और आप जब कंटेंट ज़्यादा मतलब हो जाते हैं, पोस्ट ज़्यादा हो जाती हैं, ट्रैफिक आना ज़्यादा हो जाती है, तो आपके जो एडसेंस अकाउंट है वो ऑन हो जाता है उसके ऊपर, मतलब आप लोगों को करना पड़ता है ख़ुद से, और फिर इस तरह से गूगल जो है वो अप्रूव कर लेता है आपका एडसेंस का अकाउंट और आप लोगों की अर्निंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने एक ब्लॉग ओपन है। मैंने गूगल पे लिखा था स्किन केयर, स्किन केयर जब लिखा तो ये वाला ब्लॉग मेरे सामने आ गया। अब ये जो है ये इसका डोमेन है, ठीक। अब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं तो ये आप देखिए ये सारा इसका कंटेंट है जो कि इसने अपने ब्लॉग के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं थोड़ा और नीचे जाती हूँ तो यहाँ पे ये देखिए ये इसके पोस्ट हैं, ये देखिए ये एक ब्लॉग इसने ये लिखा हुआ है,
फिर नीचे इसकी अलग से पोस्ट है, फिर ये सारे के सारे इसके टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर इसने सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अब अगर इनमें से मैं किसी एक ऊपर क्लिक करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके ऊपर जाती हूँ पढ़ने के लिए, तो मेरे सामने एक और पेज ओपन होगा। ये देखिए, ये एक और पेज मेरे सामने ओपन हो गया। यहाँ पे अब इसने एक लेमन की पिक्चर दी हुई है और लेमन के बारे में, लेमन जूस के बारे में इसने सब कुछ, जो जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इसकी नॉलेज होगी जो भी इस चीज़ के बारे में, वो सारी इसने यहाँ पे लिखी हुई है। अब बीच में ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, जो आ रहे हैं, ये हैं एड्स। ये एड्स होते हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी एड के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो जिसका ये ब्लॉग है उसको बदले में उसको जो है तो अर्निंग मिलती है, मतलब डॉलर्स मिलते हैं उनको, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है तो अर्निंग कर सकते हैं एक ब्लॉग के ऊपर। अब एक दिन में आप लोग कितने ब्लॉग लिख सकते हैं, एक दिन में कम से कम आपको दो ब्लॉग्स तो लिखने चाहिए, ठीक है। एक दिन में आप दो ब्लॉग्स जो हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा एडसेंस का जो अकाउंट है वो अप्रूव होता है तब जब आपके ब्लॉग के ऊपर कम से कम 20-30 पोस्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको दिखाया है ये वाली जो पोस्ट हैं, कम से कम ये 20-30 होनी चाहिए। उसके बाद आपकी हर पोस्ट के ऊपर कम से कम 20-30 व्यूज़ भी होने चाहिए, हर पोस्ट के ऊपर, सब पे नहीं, हर सिंगल पोस्ट के ऊपर। और इसके अलावा आपका ब्लॉग जो है वो कम से कम 2 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए, मीन्स कि आपके इस ब्लॉग को 2 महीने हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आपका जो एडसेंस का अकाउंट है वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर वो अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा साइट पे आपको फेसबुक, ट्विटर और ये सारे जितने भी लोगोस हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, आप अपने पेजेस भी बना सकते हैं और कॉन्टेक्ट के लिए यहाँ आप अपने पेजेस को कनेक्ट भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को पेड प्रमोशन भी मिलती है इन ब्लॉग्स के थ्रू। जैसे कि अगर आपका ब्लॉग जो है वो रैंक कर रहा है और गूगल के जो SEO है उसमें टॉप पे आ रहा है, तो इट मींस कि आप ठीक ठाक किस्म की अर्निंग कर रहे हैं। तो फिर जो कंपनीज होती हैं, फिर वो ऐसे ब्लॉगर्स को कॉन्टैक्ट करती हैं और उनसे जो है तो उनको अपने प्रोडक्ट्स देती हैं कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट्स की भी एडवर्टाइजमेंट कीजिए, तो फिर वो उनके बारे में भी लिखते हैं और फिर उनके एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। अब टॉपिक मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें कोई भी टॉपिक हो सकता है, मेल जो है वो उसमें मोबाइल्स के बारे में भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा प्रोडक्ट, कोई कुछ भी ऐसा जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। इवन यहाँ तक कि आप लोग मूवी एक्टर्स जो होते हैं, मूवी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, आर्टिस्ट जो होते हैं, आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आए दिन इनकी कोई ना कोई एक न्यूज़ आ ही जाती है कि इनकी लाइफ में जो भी हो रहा होता है वो अपडेट करते रहते हैं। तो आप जाके उनके पेजेस के ऊपर या सोशल मीडिया पे कहीं से भी, तो वहाँ से आप इनकी न्यूज़ जो है वो उठा के, उनकी पिक्चर्स उठा के और आप अपने ब्लॉग में जो है तो लिख सकते हैं। फिर लोग आते हैं और उनके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं और फिर इस तरह से आपका ब्लॉग जो है वो रैंक होता है। अब इसमें लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे अब ये ब्लॉग इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इस ब्लॉग को उर्दू में भी लिख सकते हैं, आप ब्लॉग पश्तो में भी कर सकते हैं, पंजाबी में, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, जिस लैंग्वेज में भी आप एक्सपर्ट हैं, आपको कमांड है उस लैंग्वेज की, आप वो लैंग्वेज भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका जो ब्लॉगिंग का वो ये है, उसको कहा जाता है एफिलिएट ब्लॉगिंग। अब एफिलिएट ब्लॉगिंग क्या होती है, अमेज़ॉन के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेके उस प्रोडक्ट के बारे में आप लिख सकते हैं उसकी डिटेल, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, इस ये आप लोग किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और मतलब उसकी डिफरेंट, उसकी नॉलेज, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी आप वो एक चीज़ के बारे में वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। फिर होता ये है कि जिस प्रोडक्ट को आपने वहाँ से उठाया है उस प्रोडक्ट का जो लिंक होता है अमेज़ॉन के ऊपर, वो आप दे देते हैं अपने ब्लॉग में। आप लोगों के ब्लॉग पे जब ट्रैफिक आती है, लोग आते हैं, लोग देखते हैं, पढ़ते हैं आपका ब्लॉग, और उस चीज़ को जब उस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है सारा, तो नीचे जो लिंक होता है उस लिंक के ऊपर क्लिक किया जाता है। तो जो ही कोई बंदा उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट अमेज़ॉन के उस प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर वो प्रोडक्ट बिक रहा होता है। तो क्या करते हैं लोग, उस प्रोडक्ट को वहाँ से ख़रीद लेते हैं। तो लोग जब उस प्रोडक्ट को उस लिंक के थ्रू ख़रीद लेते हैं, तो जिसने वो लिंक दिया होता है अपने ब्लॉग में,
उस बंदे को उस प्रोडक्ट का कमीशन मिलता है। तो इस तरह से आप जो भी ब्लॉगर्स होते हैं वो दो तरह से अर्निंग कर लेते हैं एफिलिएट ब्लॉगिंग में, एक तो प्रोडक्ट कमीशन मिल गया, दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट उसके ऊपर चल रही होती है, मतलब जो एडसेंस का अकाउंट उसके ऊपर ऑन होता है, जो एड्स चल रहे होते हैं उनके थ्रू भी वो अर्निंग करते हैं। तो ऐसे डबल डबल दो दो तरीक़ों से अर्निंग की जाती है, एफिलिएट ब्लॉगिंग में ज़्यादा अर्निंग के चांसेस होते हैं। तो ये होती है एफिलिएट ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग एक और तरीके से भी की जाती है, वो ये कि आप वीडियोज़ ही बना सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए। अब जैसे एफिलिएट ब्लॉगिंग में आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं, तो वैसे ही जो तीसरा तरीका है ब्लॉगिंग का वो ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को उसके बारे में वीडियो बना के आप उसको एडवर्टाइज़ कर सकते हो। लोग जो है, कंपनीज जो हैं, वो लोगों को, ब्लॉगर्स को अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, भेजते हैं उनके पास, उनको कहते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको एडवर्टाइज़ कर दो। तो जिन लोगों के ज़्यादा वो होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं, तो कंपनीज जो है उनको पेड प्रमोशन देती हैं, उनको कहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है और आप इस प्रोडक्ट को जो है तो एडवर्टाइज़ कीजिए और हमसे पैसे भी लीजिए और ये प्रोडक्ट भी आपका हो गया। तो इस तरह से लोग वीडियोज़ बना के भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स की जो है तो वो प्रमोशन करते हैं और अर्निंग करते हैं डबल डबल तरीके से। YouTube की वीडियोस तो अलग से हो गई, मतलब जो एडसेंस लग गए, मोनेटाइजेशन हो गई, अर्निंग हो आ रही है वो अलग से आ रही है, और साथ जो कंपनीज जो देती हैं जितना भी उनको जो पेमेंट मिलती है जितनी भी, वो अलग से हो गई और फिर प्रोडक्ट भी आप लोगों को अलग से मिल गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीक़ों से ब्लॉगिंग करके घर में बैठ के आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। ये तो थी जनरल बातें, मतलब मैंने आप लोगों को जनरली बता दिया कि ब्लॉगिंग इस तरह से की जाती है, लेकिन इसके प्रॉपर कोर्सेज होते हैं, प्रॉपर तरीके से ए टू जी जब सीखा जाता है तभी आप लोग जो हैं तो एक अच्छे तरीके से ब्लॉग लिख सकते हैं और फिर आप उसकी SEO भी कर सकते हैं और फिर आपका जो ब्लॉग है वो रैंक होता है गूगल में और फिर आपकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आती है, फिर इस तरह से एडसेंस लग जाते हैं और फिर आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर एक कोर्स करना पड़ेगा तभी आप लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, और ऐसे कोर्सेज YouTube में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। आप लोग सर्च कीजिए कंप्लीट कोर्स और आप लोगों के सामने ब्लॉगिंग का कोर्स आ जाएगा और आप लोग कर सकते हैं इस चीज़ को। अब जो लोग मुझसे ब्लॉगिंग के बारे में पूछ रहे थे और मुझे कह रहे थे कि ब्लॉगिंग के ऊपर भी वीडियो बनाएं, तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में जनरल मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप इन तरीक़ों से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है प्रॉपरली ब्लॉगिंग करना ए टू जी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी एक चैनल का, आप लोग वहाँ पे जाके उनकी वीडियोस को सर्च कीजिए और उनसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये एक बहुत फेमस और सक्सेसफुल ब्लॉगर हैं पाकिस्तान के, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और इनका नेम है स्माइल ब्लॉगर। तो आप इनके चैनल पर जाइए और इनके चैनल में हर टॉपिक के ऊपर, मतलब ब्लॉगिंग से रिलेटेड हर चीज़ को इन्होंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है। इनकी वीडियोस को सर्च कीजिए और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक दे दूंगी, आप जाइए उनके चैनल के ऊपर विजिट कीजिए, वीडियोस देखिए और लर्न कीजिए और घर में बैठ के अर्न कीजिए। आई होप कि मेरी इस वीडियो से थोड़ी बहुत आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुई हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग इस तरीके से घर में बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।